हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेचर फिलोसफी सीरीज P10 चैप्टर नंबर 11 साउंड। इससे पहले हमने क्या किया है, चैप्टर नंबर 10 को एक कंप्लीट डिटेल के साथ कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने क्या किया, उसे डिस्कस किया इसी कोर्स से रिलेटेड, जिसका नाम क्या था, जनरल वेब प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब उस चैप्टर के अंदर हमने जो सारी चीज़ें डिस्कशन की, जो सारी चीज़ें हमने स्टडी की, वो वेव की क्या हो सकती थी, किसी भी वेव की, किसी भी टाइप्स ऑफ वेव की जनरल प्रॉपर्टीज़ हो करती थी। अब हम देखें थे तो हमारे पास एक नया चैप्टर है साउंड। ऑब्वियसली साउंड क्या है, वेव है, एनर्जी है, और एनर्जी यकीनन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या होती है, ट्रांसफर होती है, जो कि वेव की डेफिनेशन भी हमें यही बता दी है कि वेव क्या है, एक सोर्स है जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करता है, ट्रांसफ़र करवाता है, शिफ्ट करवाता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो अगर साउंड की बात की जाए तो साउंड भी क्या है, एनर्जी है, इट्स मीन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर भी ट्रांसफ़र होगी, और उसे भी ट्रांसफ़र जो करेगा वो कौन करेगा, वेव करेगा। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो क्या है, साउंड वेव। तो आइए देखते हैं साउंड वेव क्या है। साउंड वेव होता है एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव के लॉन्गिट्यूडनल टाइप्स है। मैकेनिकल वेव के बारे में हमने स्टडी किया था कि मैकेनिकल वेव दरअसल इस तरह की वेव होती है जिनको प्रोपगेट करने के लिए पार्टिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है भाई, पार्टिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। यानी कि अगर पार्टिकल मीडियम नहीं है तो मैकेनिकल वेव प्रोपगेट नहीं करेंगे। उसी के हमने कुछ टाइप्स ऑफ मोशन में देखी थी, तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास दो देखा था हमने, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव मैकेनिकल वेव की कौन सी टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल टाइप है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हुआ करता था हमारे पास, देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल तो हमने पहले भी देखा। अब अगर हम बात करें कि साउंड को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो सिंपल सी बात है, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जब भी हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो वेव प्रोड्यूस कर देता है। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, मीडियम को डिस्टर्ब किया जाएगा। अब मीडियम को किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, किसी भी पार्टिकल मीडियम के अंदर जब हम किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को प्लेस कर देते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी बहुत सारी हो सकती है, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी हो सकती है, जब उसे हम प्लेस करते हैं किसी भी पार्टिकल मीडियम के अंदर, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, साउंड प्रोड्यूस कर देता है। जिसके आसान से एग्जांपल ले जाए, अगर ड्रम है हमारे पास, गिटार है, टर्निंग फोक है, हार्ट बीट है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें वाइब्रेटिंग है। हार्ट बीट है हमारी, वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रही होती है। तो सम टाइम क्या होता है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स क्या करते हैं भाई, कान में जो भी अपरेटस उनका होता है वो यूज़ करके और उससे हार्ट बीट क्या करते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक मीडियम में मौजूद है हार्ट जो कि क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से अगर वो वाइब्रेट कर रहा है और किसी मीडियम में मौजूद है तो यकीनन वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा। इसी तरह अगर ड्रम की बात की जाए तो ड्रम को क्या करवाया जाता है, जब ड्रम को हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं ड्रम के ऊपर किसी भी चीज़ से, तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और जब वो वाइब्रेट करना शुरू करता है तो वो एयर के पार्टिकल्स को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से वो एयर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होने की वजह से हम तक क्या आती है, साउंड आ रही होती है। बिल्कुल इसी तरह गिटार में है, गिटार के स्ट्रिंग जो है वो दोनों साइड से क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और जब गिटार को बजाया जाता है तो बेसिकली उसे क्या करवाया जाता है, अप एंड डाउन मोशन करवाई जाती है, यानी कि उसे क्या करवा दिया जाता है, वाइब्रेट करवा दिया जाता है, ऑसिलेट करवा दिया जाता है। ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग, गिटार की स्ट्रिंग भी किस में है, मीडियम में मौजूद है, और वो मीडियम में जब मौजूद है तो वहाँ के पार्टिकल्स को क्या करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा, और वहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस होगा, आपके पास वेव प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखते हैं कि अगर हमने पढ़ा कि भाई साउंड वेव जो है वो नेचुरल तौर पे लॉन्गिट्यूडनल होता है तो किस तरह से प्रोपगेट करेगा, आगे बात समझ में। और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में हमने पढ़ा है कि भाई लॉन्गिट्यूडनल किस तरह से प्रोपगेट करता है, कि जब डिस्टर्बेंस मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की जाती है वो डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन और उससे प्रोड्यूस होने वाली जो वेव मोशन है उसकी डायरेक्शन जब दोनों पैरेलल होते हैं तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती है। जिस तरह एग्जांपल डेफिनेशन भी बोर्ड पर लिखी है मैंने, अ साउंड इज अ मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड क्या है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन की गई है उसकी डायरेक्शन ऑफ एयर मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल की क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करवा दिया गया है, वाइब्रेट करवा दिया गया है, इस पैरेलल टू द वेव प्रोडक्शन, जो वेव की जो प्रोडक्शन है, वेव की जो मोशन है उसके क्या है, आपके पास वो पैरेलल डायरेक्शन में है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं कि हमारे पास वेव ट्रेवल किस तरह से करता है, साउंड वेव किस तरह से या लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह से ट्रेवल करता है। जिसके असर, जिसके लिए हमने क्या लिया है, एक एग्जांपल है हमारे पास, मैंने एक ड्रम लिया है और इस ड्रम को मैंने क्या करवा दिया, किसी भी बॉल, किसी भी स्टिक से क्या करवा दिया, इसे वाइब्रेट करवा दिया। इसके ऊपर जब स्ट्राइक किया तो इसका जो स्किन है, इस ड्रम का, इस ढोल का जो स्किन है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब जब वाइब्रेट होना शुरू होगा तो ऑब्वियसली ये किस मीडियम में मौजूद है,
पार्टिकल मीडियम यानी एयर मीडियम में मौजूद है। तो यकीनन यहाँ पर इसके सराउंड में एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अब जैसे ही इसे क्या करवाया जाएगा, वाइब्रेट करवाया जाएगा, तो ये एयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इन इस वाइब्रेटिंग बॉडी को मैंने किस में प्लेस किया हुआ है, एयर मीडियम में प्लेस किया हुआ, और यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स एज अ पार्टिकल बिहेव करेंगे, ठीक है। तो वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब जब डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा, इसमें एक पैटर्न के थ्रू ये क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो वो पैटर्न क्या होगा कि जब इसे वाइब्रेट करवाया जाएगा तो ऑब्वियसली एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर है, कोई बहुत ज़्यादा करीब है, ऐसा नहीं है। जब नॉर्मल है तो एयर के पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मौजूद हैं। जैसे ही मैंने इस वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग बॉडी को उस मीडियम में रखा, तो वो ऑसिलेटिंग बॉडी का इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, उन पार्टिकल्स के ऊपर आएगा। अब जब उन पार्टिकल्स के ऊपर आएगा, वाइब्रेशन होने का मतलब, ऑसिलेशन होने का मतलब ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब जब एनर्जी प्रोड्यूस करूँगा तो यकीनन वो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उस एनर्जी का इफेक्ट एयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी होगा, और वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से करीब हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा करीब हो जाएगा, या यूं कह लो कि दूर हो जाएगा, बहुत आर द सेम, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाएगी, उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, जब वो करीब होंगे, अगर करीब की एग्जांपल ली जाए, तो एयर के मॉलिक्यूल जब करीब होंगे, यानी कि अपनी ओरिजिनल डिस्टेंस से अब क्या हो जाएंगे, थोड़े से करीब करीब हो गए, इट्स ओके। लेकिन क्या होगा, क्या वो इसी कंडीशन में रहने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, अपने ओरिजिनल डिस्टेंस पर आने की कोशिश करेंगे। अब जब ओरिजिनल डिस्टेंस पर आने की कोशिश करेंगे तो बजाय उनके पास जो एक्सिस एनर्जी है वो क्या करेंगे, अपने आगे वाले को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जब आगे वाले को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, यानी कि ये वाले मॉलिक्यूल का जो लाइन है वो आगे वाले मॉलिक्यूल के लाइन के करीब हो जाएगा, क्योंकि वो फास्टली मूव करने लग जाएंगे, है ना भाई। तो क्या होगा कि जो पहले कॉम्प्रेस हुआ हुआ था, अब वो रेयरफेक्ट हो जाएगा, यानी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा, यकीनन आएगा, लेकिन ओरिजिनल स्टेट में आने से पहले वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट से थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्टेंस पर चला जाएगा। यानी पहले कॉम्प्रेस हुआ हुआ था, अपनी ओरिजिनल डिस्टेंस से कम था, अब क्या हो गया, अपनी ओरिजिनल स्टेट से ज़्यादा हो गया। तो वो पोर्शन क्या कहलाएगा, उसका रेयरफेक्शन पोर्शन कहलाएगा। कैसे, कि देखिए अगर ये वाला पोर्शन है, इसमें जो रेड वाले डॉटेड लाइन है, इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स क्या है, करीब करीब है। अब जब ये एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो इनके आगे वाला जो पोर्शन, ब्लू डॉट वाला जो पोर्शन था, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, यानी कि वो इस फॉर्म में आ जाएगा, इस रेड वाले फॉर्म में। और ये रेड वाला जो फॉर्म है, ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ब्लू वाले फॉर्म में, यानी कि जो कॉम्प्रेशन था अब वो क्या बन जाएगा, रेयरफेक्शन, और जो रेयरफेक्शन था वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्रेशन। और इसके थ्रू ये वेव क्या करता चला जाएगा, कंटिन्यूसली ट्रेवल करता चला जाएगा। आगे बात समझना, अब कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन की अगर पार्टी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए, तो वो डेफिनेशन प्रॉपर क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। ओके, तो क्या होता है कॉम्प्रेशन हमारे पास, जैसा कि डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी है, इट इज़ द रीजन वेयर एयर प्रेशर स्लाइटली हायर देन सराउंडिंग एयर प्रेशर। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन एयर मीडियम का, जहाँ पर एयर प्रेशर क्या होता है, एवरेज एयर प्रेशर से थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर देखें, ये मेरे एक डाया फिगर बनाई है यहाँ पर, तो देखिए ये एयर के पार्टिकल्स क्या है, किसी डिस्टेंस पर मौजूद है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है उस एयर मीडियम के ऊपर, तो वो एयर मीडियम क्या किया जाता है भाई, वो एयर पार्टिकल्स कॉम्प्रेस हो जाते हैं। जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है ना, तो ये पार्टिकल्स थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, क्लोजर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इस वाले फिगर में देखें, तो यहाँ पर जो रेड लाइन से बनाया गया है, इसमें क्या है, पार्टिकल्स करीब आ गए, यानी कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस था, अब वो पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो गया है, करीब हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो रीजन, इस रीजन में जो एयर प्रेशर है वो एवरेज एयर प्रेशर से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो एवरेज डिस्टेंस था पार्टिकल का, वो डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, कॉम्प्रेशन कहलाएगा। इसी तरह अगर रेयरफेक्शन की बात की जाए, तो रेयरफेक्शन वो रीजन होता है जहाँ पर एयर प्रेशर क्या होता है, लेस होता है, स्लाइटली लेस होता है जो एवरेज एयर प्रेशर होता है उससे। तो जब एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, स्लाइटली लेस हो जाएगा, तो इसका मतलब वहाँ पर पार्टिकल एवरेज पार्टिकल डिस्टेंस से क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अगर देखा जाए ये वाले पार्टिकल्स का डिस्टेंस और इन पार्टिकल का डिस्टेंस, तो यहाँ पर पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ये जो रेड वाली लाइन है और ब्लू वाली लाइन है, ये वाले पोर्शन की बात कर लें या ये वाले पोर्शन की बात कर लें, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इट्स मीन कि अगर एयर प्रेशर क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए देन एवरेज, तो पार्टिकल के बिटवीन की जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उस रीजन को आप क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं। यहाँ तक आ गई बात समझ में, ओके।
अब अगर जैसा हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को पार्टिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो आइए चेक करते हैं क्या वाकई मैकेनिकल वेव को पार्टिकल मीडियम की ही रिक्वायरमेंट होती है, या पार्टिकल मीडियम को अगर ख़त्म कर दिया जाए तब भी साउंड वेव ट्रेवल कर सकता है या नहीं कर सकता, आइए देखते हैं। ओके तो हम चेक करते हैं कि क्या वाकई साउंड वेव जो है वो पार्टिकल मीडियम में ही ट्रेवल करता है, या अगर मीडियम में पार्टिकल मौजूद नहीं हो तब भी ट्रेवल कर लेता है। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक बेल और उसे प्लेस करेंगे एक इलेक्ट्रिक जार के अंदर, जिस तरह से आपके पास स्क्रीन पर ये फिगर शो की जा रही है। ठीक है, इसमें क्या है, आपके पास एक जार है, ग्लास जार है, जिसके अंदर क्या प्लेस किया गया है, एक इलेक्ट्रिक बेल प्लेस किया गया है। अब क्या किया जाता है, उस इलेक्ट्रिक बेल को कनेक्ट किया गया है किससे, पावर सप्लाई से। ओके, जब पावर सप्लाई को ऑन किया जाता है, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पर किससे कनेक्ट किया गया है, उस बेल जार को जो है वैक्यूम चैम्बर से भी क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, यानी वैक्यूम पंप से भी क्या कर दिया गया, उसे कनेक्ट कर दिया गया। अब क्या करते हैं, हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, और पावर सप्लाई जब ऑन करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक बेल को क्या करते हैं, रिंग करवाते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ सुनाई देती है। ओके, आवाज़ सुनाई देगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या मौजूद है, अभी इलेक्ट्रिक बेल जार के अंदर एयर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हम ऑफ करते हैं और वैक्यूम पंप को हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, और वैक्यूम पंप के स्टार्ट करके हम उन एयर पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, यानी उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर, इस वैक्यूम चैम्बर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक बेल जार से कुछ पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और मीडियम को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, फेंट कर देते हैं, यानी थोड़ा सा धीमा कर देते हैं। अब जब वैक्यूम से हमने क्या कर लिया, थोड़े से पार्टिकल या थोड़े से ज़्यादा पार्टिकल जिसमें से क्या कर लिए, निकाल लिए, और उस मीडियम को, इलेक्ट्रिक बेल जार को एयर मीडियम से क्या कर दिया, थोड़ा सा फेंट कर दिया। अब जब हम साउंड क्या करते हैं, दोबारा से पावर सप्लाई ऑन करते हैं, तो हमें जो इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ आती है वो भी फेंटर आवाज़ आती है, यानी कि वो आवाज़ भी हमें क्या आती है, धीमी आवाज़ आती है। बात आगे समझ में, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने उनमें से एयर पार्टिकल्स को क्या किया, निकाला, तो साउंड जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या किया, दोबारा से उस इलेक्ट्रिक बेल को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब वहाँ पर हम कंप्लीट वैक्यूम जनरेट करने वाले, यानी कि सारे के सारे पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स क्या करवाने वाले हैं, वहाँ पर हम निकाल लेते हैं, और वैक्यूम के थ्रू हम सारे पार्टिकल्स क्या कर लिए, हमने निकाल लिए, एयर के सारे पार्टिकल्स निकल गए, इसका मतलब अब वहाँ पर कोई भी पार्टिकल मीडियम मौजूद नहीं है। तो अब जब हम इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करेंगे, तो अब आपको आवाज़ आ रही, अब आप क्या होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पर कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम है ही नहीं, जबकि मैकेनिकल वेव को क्या, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, पार्टिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और उस चैम्बर से, उस जार से हमने तमाम के तमाम पार्टिकल्स को क्या कर लिए, निकाल लिए। अब जब पार्टिकल है ही नहीं, तो पार्टिकल वेव किस तरह से ट्रेवल करवाएंगे, यानी एक पार्टिकल किस तरह से दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, कॉम्प्रेशन और रेफ्रेक्शन का प्रोसेस फ्लो ही नहीं होगा, थ्रो चलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर वेव प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इससे हमें ये बात पता चल गई कि जो मैकेनिकल वेव है उसको पार्टिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पार्टिकल मीडियम नहीं है, तो इसका मतलब जिस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, अगर पार्टिकल मीडियम नहीं है, तो इट्स मीन कि वहाँ पर वेव ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। कौन सा वेव, मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव का कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। बात आगे समझ में, तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम वेव की, साउंड के वेव स्पीड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मेथड देखेंगे, इसके अलावा और भी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।